इजी और स्मॉल साइज एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डेटा साइंस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेटा साइंस क्या है और ये कैसे वर्क करता है। डेटा साइंस आल्सो नोन एज डेटा ड्रिवन साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ अ साइंटिफिक मेथड प्रोसेस एंड सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज और इनसाइट फ्रॉम डेटा इन वेरियस फॉर्म ईदर स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सिमिलर टू डेटा माइनिंग। पहले मैं आपको बता दूँ स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। स्ट्रक्चर डेटा वो जो एक सूटेबल फॉर्म में हो, एक अरेंजिंग फॉर्म में हो, टेबल्स रो और कॉलम की फॉर्म में हो जिससे इंफॉर्मेशन गेन करना ईजी हो, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो जो टेबल्स की फॉर्म में ना हो जिससे इंफॉर्मेशन गेन करना मुश्किल हो, पैराग्राफ की फॉर्म में हो। तो डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जिसमें हम डाटा से डाटा को एनालाइज करके इससे आउटपुट लेते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। डाटा साइंस की वजह से इसको इस्तेमाल करके छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बन सकते हैं और अपने बिजनेस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की अरेंजमेंट कर सकते हैं। डाटा साइंस को दुनिया में बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, हर बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाटा साइंस की आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी एक कंपनी है और आपकी कंपनी में टीवीज, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल ये सब चीज़ें हैं, तो आपने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपकी कितनी बिकी है मार्केट में और आपने कितनी इसकी पीछे से प्रोडक्ट बनानी है, कितनी इसकी प्रोडक्शन करनी है। तो फॉर आप एक डाटा को अरेंज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो आपको पता चलता है इस साल में सबसे ज़्यादा लास्ट वाले मंथ में साल के दिसंबर नवंबर में हमारी टीवी बिकी है। तो यही चीज़ है, डाटा साइंस से हम फ़ायदा उठाकर हम उसके मुताबिक फिर अपनी मार्केट में लॉन्च करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं कि सीज़न में हमारी कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकी और कैसे इसको लॉन्च करना है और इसकी मार्केट में डिमांड क्या है, इसकी सप्लाई क्या है और लोगों को ये कितनी पसंद आई, लोगों ने ये कितनी खरीदी। तो यही है डाटा साइंस। आई होप दोस्तों आपको डाटा साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।